हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और बहुत ही जल्दी आने वाले हैं माता रानी के नवरात्रे। आई होप आप सबने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। थोड़ी सी तैयारियां बाकी होंगी, जो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ वो है आपकी डाइट प्लान की। डेफिनेटली जो लोग वेट लॉस जर्नी पर ऑलरेडी चल रहे हैं वो अपना अब जर्नी तो स्किप नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना है और इस जर्नी का बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप नवरात्रि के व्रत रखने वाले हैं डेफिनेटली। और जो लोग सोच रहे थे कि हमें वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, करें या नहीं करें, तो फ्रेंड्स ये बहुत सही टाइम रहता है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, फास्टिंग करके डेफिनेटली आप अपना वेट भी घटा सकते हैं। डेफिनेटली माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को रहता है कि हमें फास्टिंग तो करनी है, हमें व्रत तो रखना है, बट हम नवरात्रों के बाद शुरू करेंगे। उसका रीजन ये रहता है क्योंकि बहुत सारा खाना पीना चलता है, क्योंकि अब कुछ लोग इसको दो तरह से यूज करते हैं व्रत को। एक लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें सिंपल खाना खाएंगे और अपना वेट लूज करेंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डीप फ्राई खाना बनता है, बहुत ज्यादा आलू खा लेते हैं या तला हुआ खा लेते हैं, जो व्रत वाली नमकीन रहती है, चिप्स रहते हैं, मरूंडा रहता है, मीठा बहुत ज्यादा रहता है, तो वो लोग खा लेते हैं, उनके घर में ये सब चलता है, तो उनको लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली आपको वेट कम करना है और इन नवरात्रों में करना है, इसका फायदा उठाना है, तो अच्छा सा स्मूथ जिसमें आप बिल्कुल घर का खाना खाकर वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सही वक्त है आपके लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं हम तो नवरात्रों के बाद शुरू करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं आप इस नवरात्रों का फायदा लेकर अपना वेट कम कर सकते हैं। अब कुछ लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ लोग शुरू के 2 रखते हैं, कुछ लोग लास्ट में 2 दिन व्रत रखते हैं। तो जैसे जिसकी श्रद्धा रहती है, जैसे जिसकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है व्रत रखने की, क्योंकि सभी को सभी के लिए फास्टिंग नहीं सुटेबल नहीं रहता है। अगर हम कुछ लोग रहते हैं जिनको बीपी का इशू रहता है, उनके लिए थोड़ा सा इशू मतलब कि हार्ड रहता है कि व्रत रखना, या कुछ जॉब में रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप होम मेकर हैं या फिर भी आप व्रत रखते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ डाइट प्लान की टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, और आपका वजन जो बढ़ने वाला है ना तला हुआ व्रत में खाके, वो भी मेंटेन रहेगा। तो आप सब ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें बात करेंगे नवरात्रि डाइट प्लान के बारे में और हेल्दी टिप्स के बारे में जो आपको फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं मील प्लान की, कि नवरात्रि में आपको कैसा मील प्लान फॉलो करना चाहिए कि आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो सके, और अगर आपकी वेट लॉस जर्नी ऑलरेडी चल रही है तो वो स्मूथली चलती रहे, आपका वेट पुटो ना हो, आपको ये ना लगे कि मैंने व्रत क्यों रखे। तो डेफिनेटली माता रानी के व्रत हैं, और ये भारत में ना इन स्पेशली नवरात्रों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माता रानी के मंदिरों में आप जाइए, बहुत भीड़ होती है, इतने श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं कि आपको कब नंबर आएगा आपको खुद ही नहीं पता होता। तो बात करते हैं हमारे नवरात्रि में ब्रेकफास्ट की। सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा वो रहेगा आप अपने जो ब्रेकफास्ट में है फ्रूट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं या फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप फ्रूट लेने से पहले थोड़े से हैंडफुल नट्स लीजिए, या सॉक आमंड्स होते हैं या अखरोट होता है, कुछ भी आप भिगो कर रात को रखिए, जरूर उसको लीजिए। और फ्रूट्स से पहले आप थोड़ा सा नट्स जरूर लीजिए, 4-5 बादाम ले सकते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि जो फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स में रहता है फ्रुक्टोज, शुगर होता है, तो जिसकी वजह से अगर आप सुबह सुबह फ्रूट्स खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो बेटर रहेगा फ्रूट्स पे पहले थोड़े से नट्स खाइए, 4-5 बादाम लीजिए या अखरोट ले सकते हैं भिगे हुए, भिगो कर जरूर रखिएगा, तो कुछ भी भिगो कर आप रखिए, पहले उनको खाइए फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जैसे 4-5 भी बादाम ले लेती हूँ भिगे हुए, साथ में कैप्पल ले लेती हूँ, जो भी फ्रूट्स रहता है, तो इस तरह से कैप्पल और थोड़े से आमंड्स हो जाते हैं, तो आपका फाइबर और प्रोटीन दोनों का कंटेंट हो जाता है, तो शुगर लेवल आपका थोड़ा मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ जो सेकेंड ऑप्शन रहता है, आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी ले सकते हैं। अगर आपके वहाँ लो फैट या फैट फ्री आपके वहाँ योगर्ट, प्लेन योगर्ट मिल जाता है, तो आप उसमें स्ट्रॉबेरी डालकर उसकी स्मूदी बना सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं, या कर्ड ले सकते हैं, कर्ड आप हंग कर्ड ले सकते हैं, वो बेटर रहता है। तो जो भी आपके वहाँ इजी अवेलेबल रहता है आप वो ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा ज्यादा उस पर आप मसाले नहीं डालें, सिंपल फ्रूट लीजिएगा। थोड़े से नट्स आप उस पर स्प्रेड कर सकते हैं, जो हमारे नट्स आते हैं आपने देखा होगा रेडीमेड, उसको आप थोड़ा सा नट्स भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके ब्रेकफास्ट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूट्स नहीं खाना, आपको प्रॉपर एक लंच लेना है या आपका खाना लेना होता है 12 बजे के आसपास, कुछ लोग 12 बजे सीधा ब्रंच कर लेते हैं, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और लंच भी हो जाता है, ये एक बहुत अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग रहती है। अगर आप ब्रंच करते हैं डायरेक्टली, आप 12 बजे अपना लंच ब्रंच ले सकते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, और फिर आप अपना 12 बजे ब्रंच कर सकते हैं। बट
कोशिश कीजिए कि मिल्क टी मत लीजिएगा खाली पेट आप एम्प्टी स्टमक शुगर और यू नो चिप्स के साथ। मुझे याद है जब मैं छोटे थे हम लोग तो हम सब जब व्रत रखते थे तो चाय के साथ एक नमकीन का या चले हुए चिप्स का पैकेट ले लेते थे और वही खा लेते थे, तो वो काफी अच्छा लगता था। उस टाइम छोटे थे, नॉलेज नहीं थी, मतलब बहुत हम व्रत इसलिए रखते थे क्योंकि बहुत हमें खाने को मिलता था, क्योंकि कभी चिप्स बन रहे, कभी चिप्स आ रहे हैं, कभी मुरुंडा आ रहा है, कभी पूड़ियां तल रहे हैं, कभी कुट्टू के पकौड़े बन रहे हैं, तो उस टाइम फास्टिंग का मतलब होता था कि नए नए पकवान मिलेंगे खाने को घर में। बट अभी समझ आया कि थोड़ा सा हमें इतना डिफरेंट नहीं खाना है, अगर स्पेशली अपने आपको हेल्दी रखना है, अपने आपको मेंटेन रखना है, तो बेस्ट रहेगा कि आप खाली पेट चाय नहीं लें चिप्स के साथ। और तो अगर आप डायरेक्टली फ्रूट्स नहीं लेना चाहते हैं तो सीधा 12 बजे के बाद अपना ब्रंच कर सकते हैं। ब्रंच में आप रोटी सब्जी ले सकते हैं, रोटी आप कुट्टू की रोटी ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा रहता है, सामक का आटा रहता है, जो नॉर्मली हम लोग व्रत में खाते हैं, हर किसी के हिसाब से अलग अलग रहता है। और सब्जी में आप क्या ले सकते हैं, सब्जी में आप पनीर की सब्जी ले सकते हैं और पनीर की भुर्जी आती है वो आप ले सकते हैं, वो बेटर रहता है। इसके साथ साथ आपके लिए जो बेस्ट रहता है जो आप घी खाते हैं, आप हर किसी के वहाँ का अलग अलग कल्चर रहता है, कुछ लोग बैंगन भी खाते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको आलू खाने हैं तो आप बॉयल आलू भी खा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आलू को हम बहुत यू नो नेगेटिव वे में लेते हैं, व्हेन वी आर ऑन आवर वेट लॉस जर्नी, आलू आपके लिए तब हार्मफुल होते हैं, आप उसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज्यादा उसको डीप तलते रहते हैं और उसी ऑयल को बार बार आप यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए खराब रहता है। बट अगर आप थोड़ा क्वांटिटी में आलू ले रहे हैं, आलू के साथ थोड़ा पनीर ले रहे हैं, तो आई थिंक इतना आपके लिए, इतने वेट को आपको इफेक्ट नहीं करता। अगर आप उबला हुआ आलू लेते हैं, तला हुआ आलू आपके लिए ज्यादा खराब रहता है, तो बेटर रहता है ये चीजें आप ले सकते हैं रोटी के साथ, दही ले सकते हैं, आप प्रॉपर छाछ ले सकते हैं, गर्मियां हैं आजकल तो बेस्ट रहता है। इस तरह से आप अपनी थाली बना सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा पनीर, दो रोटी, कुट्टू की रोटी ले सकते हैं। प्लीज अवॉइड पूड़ी, जो हम डीप फ्राई पूड़ियां लेते हैं वो आप अवॉइड कीजिएगा जितना हो सकता है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह से आप कभी बदल बदल के रोटी ले सकते हैं, बदल बदल के सब्जी ले सकते हैं, किसी ने अपने सावक की रोटी ले ली, किसी ने अपने कुट्टू के ले लिया, किसी ने सिंघाड़े का ले लिया, इस तरह से आप ले सकते हैं। साबूदाना की टिक्की बना सकते हैं, हमें डीप फ्राई नहीं करना है, नॉन स्टिक पैन पे या हल्के से पैन पर आप हल्का सा ऑयल लेके उसको टिक्की बना सकते हैं। इस तरह से आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं, अब उसमें आप थोड़ा सा पीनट्स और पनीर ऐड कर लीजिए तो प्रोटीन रिच हो जाता है। तो क्योंकि आजकल देखो ऑर्गेनिक मिल्क मिलना मुश्किल है और जो पैकेट मिल्क लेते हैं उसमें काफी फैट रहता है, तो कोशिश कीजिए आप घर पर अपना प्योर आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क बनाइए, आप उसकी स्मूदी भी ले सकते हैं जिसमें आप मखाना यूज कर सकते हैं, मखाना रोस्ट करके आप उसको उसका पेस्ट बनाकर उसको स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। और इसके बाद अगर आपको, ये आपकी लंच की बात हो गई, इसके बाद अगर आपको शाम को 4-5 बजे सुस्ती आती है या एनर्जी फील नहीं होता या ऐसा लग रहा है कि बॉडी लेथार्जिक फील हो रही है, तो डेफिनेटली आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, या मिल्क टी लेना चाहते हैं सिंपल मिल्क टी भी ले सकते हैं। और बट कोशिश कीजिएगा विदाउट शुगर लो फैट मिल्क के साथ आप ले, और साथ में अगर आपको भूख लग रहा है हल्का सा तो आप मंचिंग के लिए हल्की सी पीनट्स ले सकते हैं घर पे रोस्ट करके, ये मखाना ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि बाजार का चाय के साथ जो आप ये नमकीन के पैकेट्स हम लाते हैं या चिप्स लाते हैं उसमें बहुत ज्यादा नमक रहता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है, सोडियम होता है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके बाजार के पैकेट्स फूड वाला आपको कुछ नहीं खाना है, घर पे आप हल्का सा पीनट्स ले सकते हैं या अच्छा थोड़े सा 3-4 बादाम भी ले सकते हैं चाय के साथ शाम को, बट जो नमकीन के पैकेट्स रहते हैं वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो उनमें एक ऐसी क्रेविंग्स होती है, ऐसे वो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं कि एक बार आपका हाथ उस पैकेट में गया ना वो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर हमें लगता है यार ये पैकेट खत्म करना है, शायद दूसरा भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी क्रेविंग्स को ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए बेटर रहेगा आप घर पे सिंपल अपना रोस्ट कीजिए, उसी को खाइए। और इसके साथ साथ जो बेस्ट रहता है शाम को आप डिनर का टाइम अपना फिक्स रखिए कि 6 से 7 बजे डिनर जरूर आपको करना है, लेट नहीं करना है। और डिनर में जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है आप साबूदाना की खीर वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप स्टीविया यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं, और साबूदाना की खिचड़ी रहती है वो यूज कर सकते हैं, या रोस्टेड पनीर ले सकते हैं हल्का सा आप चटनी के साथ ही ले सकते हैं, हरी धनिया पुदीने की चटनी अगर आप लोग खाते हैं आप चटनी के साथ पनीर ले सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। कुछ लोग सिर्फ दूध ले लेते हैं नट्स के साथ तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब मैंने आपको 3 मील के ऑप्शन दिए हैं, बट कुछ लोग सिर्फ एक ही बार अन्न खाते हैं, तो वो हर किसी का अपना कल्चर रहता है, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 बार खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स ले लिया उसके बाद सीधा वो लोग शाम को डिनर मतलब 4-5 बजे अपना खाना लेते हैं एक ही बार, दैट्स इट। अब कुछ लोग तीनों टाइम ही खाते हैं, जैसे भी आपको बॉडी अलाउ करती है, जैसे आपके घर में अलाउ होता है, जैसे आपका कल्चर है, आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज आपको जो टिप्स फॉलो करने हैं, हेल्थी टिप्स फॉलो करने हैं, जो ध्यान में रखना है इस मील प्लान में, आप कुछ भी खाइए लेकिन जो नहीं खाना वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो शुगर
ज्यादा शुगर नहीं लेना है। कई बार हम बहुत ज्यादा साबुदाने की खीर बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल लेते हैं। अब चीनी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं गुंजन हम चीनी यूज नहीं करेंगे लेकिन हम गुड़ डाल लेते हैं। कई सही की बात होती है, चीनी यूज कीजिए, गुड़ यूज कीजिए। खैर गुड़ तो हम लोग व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप चीनी के प्लस पे आप स्टीविया यूज कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप खीर बनाना चाह रहे हैं। चीनी शुगर को सबसे पहले अवॉइड करना है, पैकेट फूड को अवॉइड करना है, जो हम बाजार से नमकीन या चिप्स के मरूंडा खाते रहते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। और अगर आपको शुगर की रेविंग रहती है तो आप थोड़ी सी खीर बना सकते हैं स्टीविया के साथ, आप वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको बेस्ट बात याद रखनी है, वाटर इंटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब वेट लॉस जर्नी पर हैं बॉडी डिटॉक्स होती है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप पानी का अपना वाटर इंटेक भी पूरा ध्यान रखिए, स्लीप का ध्यान रखिए, प्रॉपर आप स्लीप लीजिए 7 to 8 hours की। सिर्फ मील प्लान ही आपकी हेल्प नहीं करता, ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी हेल्प करती हैं, आपका पानी वाटर इनटेक, आपका स्लीप कितना है, आपका बेटर स्लीप है या नहीं है। आप सो तो रहे हैं 7-8 घंटे के, आप स्लीप जो सो रहे हैं क्या वो आपको बेटर लग रहा है आपको उसमें? ऐसा तो नहीं है कि आपको बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, आपको उठना पड़ता है, दिखना पड़ता है, आपकी नींद खुलती है, तो वो स्लीप भी आपके लिए बेनिफिट नहीं रहती है। तो ऐसी स्लीप आए जो आपको प्रॉपर एक नाइस स्लीप होती है ना, जिसमें आपको होश ही नहीं होता है, उस तरह की स्लीप आनी चाहिए ताकि आपको लगे कि यार मुझे बॉडी फ्रेश फील हो रही है। तो इस तरह से आपके प्रॉपर नाइस स्लीप आना चाहिए। और इसके साथ साथ अपना हो सके तो आप अपना आधा घंटा का वॉक का शेड्यूल भी रखिए, ताकि आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखिए, वॉक कर सकते हैं। इस तरह से ये चीजें रहती हैं। और नट्स आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नट्स में आपको फाइबर भी मिलता है, थोड़ा प्रोटीन मिलता है, तो आपको ज्यादा क्रेविंग्स नहीं रहेगी, फुलनेस की फीलिंग रहती है। तो किसी भी चाय के साथ अगर आप ग्रीन टी वगैरह ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नट्स भी साथ में लेते रहिए। तो आई थिंक अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने नवरात्रि का फायदा भी उठा सकते हैं, श्रद्धा और भक्ति से माता रानी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, अपनी वेट लॉस में भी हेल्प ले सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। तो किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, सब जगह फास्टिंग को इम्पोर्टेंट बताया जाता है, चाहे वो नवरात्रा के फास्टिंग है, चाहे वो रोजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब भी ये फास्टिंग से ही उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है, उनकी बॉडी को थोड़ा ब्रेक मिलता है, रिलैक्स मिलता है, क्योंकि गाड़ी चलती जा रही कहीं तो उसको, जब तक आप उसको आराम नहीं देंगे तो वो रिपेयर कैसे होगी। बेस्ट वे रहता है, अगर आप नवरात्रि नहीं भी रखते, फास्टिंग नहीं भी है, तो नॉर्मली भी आप वन डे में आप डिटॉक्स कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल डे कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो किसी भी दिन आप एक दिन अपना डिटॉक्स डे कर सकते हैं वीकली, जिसमें आप थोड़ा सा नमक और शुगर को अवॉइड करके पूरा दिन आप अगर बिना नमक और शुगर के लेते हैं तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं वेट लॉस जर्नी में सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये बेनिफिट्स रहेंगे। अगर आप सोच रहे थे कि मुझे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। सो आई होप आप सबके नवरात्रि बहुत अच्छे रहे, माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी।